भाइयों, क्या हाल चाल, आ गया तुम्हारा भाई। लेकिन भाई वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं भाई, देखो तुम्हारे भाई का तबीयत इस टाइम बहुत खराब है, ठीक है। लेकिन तब भी अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर हम डेली वीडियो बना रहे हैं, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को लाइक और डू सब्सक्राइब जरूर मारे। भाई देखो डू क्यों बोला हूं कि भाई बीच बीच में थोड़ा बहुत अब इंग्लिश का भी शब्द इस्तेमाल करूंगा, जिससे आप लोग को भी थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मेरे प्रैक्टिस होती जाएगी और मिला जुला के आप सीखते जाओगे, ठीक है। तो भाई देखो आज की वीडियो बहुत ताबड़तोड़ होने वाली। वैसे मैं बता दूं, जो भाई लोग ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो क्यों नहीं करते हो, या स्क्रीन पर देख लो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, तो भाई ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो लाइन अप आने के बाद में अपनी फाइनल टीम जो भी मेरा होता है प्लेयर पे डिपेंड, भाई जो भी होता है तुरंत काम करने वाला हम इसी टेलीग्राम ऐप पे करते हैं। तो जो भाई लोग एक्टिव रहेंगे हमारे टेलीग्राम पे, मैं उनको क्या करूंगा, 10 टास्क होने के बाद 10-5 मिनट टीम अपनी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। तो भाई ज्वाइन कर लो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, मतलब हम आप सभी के टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, तो भाई ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और भाई यहाँ पे देख लो, वीडियो शुरू कर देने से पहले बोल दो भाई देखो आज बहुत खुशी की बात है, और भाई हम एक टारगेट ले रहे हैं कि भाई देखो 2025 आते आते आईपीएल, मतलब इस हमारे चैनल पे भाई 1000 सब्सक्राइबर हमें बहुत जल्दी करना है। तो भाई कैसे हो पाएगा, आप सभी का लाइक समर्थन प्यार और खूब सारा सपोर्ट चाहिए, और हम खूब सारा मेहनत करेंगे, तो भाई आप हमें लाइक सपोर्ट करते रहे, ठीक है। वीडियो में कोई बात नहीं करेंगे, फालतू आते हैं ज्ञान की बारे में। और भाई उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि भाई अभी तक लाइक सब्सक्राइब मार दिया होगा, तो भाई मार देना, बस एक छोटी सी काम है, लाइक सब्सक्राइब का मार दोगे तो भाई हम आपके लिए डेली मेहनत करेंगे भाई, बिना कुछ सोचे समझे। भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं 2020 मैच। भाई हमने देखा कि भाई T20 मैच में ताबड़तोड़ कैसा गया श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बीच में, ठीक है। आज में भी कुछ बहुत ताबड़तोड़ होने वाला, वीडियो देखो समझ जाओगे। भाई यहाँ पे देखो टीम किसके किसके बीच में 2020 मुकाबला खेला जा रहा, तो भाई यहाँ पे देखो श्रीलंका वीएस वेस्ट इंडिया, मतलब भाई श्रीलंका भी एक टाइम पे मैं बता दूं पहले हुआ करती थी एकदम लोकल टीम, और वेस्ट इंडीज भी, मतलब मिला जुला के आज के मैच में आपका पूरा कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर वेस्ट इंडीज है, ठीक है। तो भाई रोमांचक मैच होने वाला, रोमांचक मैच के साथ साथ अगर आपको पहले ही अगर पता चल जाता कि भाई आज के मैच में क्या होने वाला क्या हो रहा, तो भाई आप तो सही पैसा कमाओगे जाओगे, तो यही वीडियो में होने वाला है। यहाँ पे देखो भाई मैं आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा, पहले तो ये जान लो जिसके कारण आप पैसे कमाओगे। जो भाई लोग जो यूजर अभी हमारे चैनल पर नए आए, तो भाई उनको मैं बता दूं, भाई देखो प्लेइंग 11 टीम बताऊंगा श्रीलंका वीएस वेस्ट इंडीज के बीच में, इन दोनों टीमों के बीच में मैं आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम बताऊंगा, और भाई एक एक प्लेयर के बारे में आपको डीप में नॉलेज दूंगा कि आपको ज्ञान मिले, और लाइफ टाइम तक आप टीम बनाओ, लाइफ टाइम तक पैसा कमाते रहो, ठीक है। कम कमाओ ज्यादा कमाओ आपको ऊपर, लेकिन भाई हमारी वीडियो देखने का मतलब है कि लिमिट ही नहीं है कितना कमाते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, अगर आप पिच रिपोर्ट जान गए तो भाई आपका मैं बता दूं, पहले तो मैं 60% बोलता था, लेकिन आज के मैच में आपको 75% मदद मिलने वाला, क्योंकि भाई जैसा पिच खेलती है ऐसे ही बल्लेबाज आज के मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो भाई आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली, ठीक है। और भाई देखो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड बताऊंगा श्रीलंका वीएस वेस्ट इंडीज के बीच में, अभी तक टोटल जो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड खेले गए, कौन कितनी बार जो मैच को जीता हुआ है, कौन कितनी बार जो मैच को हारा, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन, मैं बताने वाला हूँ कि भाई आप किस प्लेयर के ऊपर जो भाई क्या करोगे 25 रन का सेवन आप यस करोगे, और वहीं पे किस प्लेयर के ऊपर जो भाई 25 रन का सेवन क्या करोगे नॉट करोगे, मीन्स की आज के मैच में पूरा ओवरली बताने वाला हूँ। और यहाँ सुनो भाई देखो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बताने वाला हूँ कि भाई आज के मैच में कौन से आपके 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 लायक प्लेयर है, आपके टीम में रखने लायक प्लेयर है, किस प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन आंख बंद करके कर सकते हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखो भाई टॉस प्रेडिक्शन आज के मैच में हु विल बी इन द टॉस, भाई आप पूरे यूट्यूब पे छान लो, अगर किसी ने टॉस बताता होगा तो भाई हमें कमेंट करके बताना, उसकी आईडी मेंशन कर देना, ठीक है। लेकिन भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे आपको टॉस से लगा मैच से लगा ये पूरी जानकारी दूंगा, ऐसे आप समझदार बात कर लो, मैं अगर इतनी सारी आपको नॉलेज या फिर ज्ञान दे देता हूँ तो भाई मैं तो बोलूंगा आप अपने से खुद टीम बना लो कि सीखते रहोगे, तो भाई सीखते रहो और कमाते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हम आपको बताते हैं किसके साथ, इसी वीडियो के अंदाज से साथ देखते हैं, और हम लोग लाइक सब्सक्राइब मारते समय अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में, श्रीलंका प्लेइंग 11 टीम के बारे में, कि भाई आज के मैच में श्रीलंका की जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम क्या रहेगी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे देख लो भाई श्रीलंका प्लेइंग 11 टीम उसके बारे में। वैसे तो भाई मैं एक बात बता दूं आपको, भाई ये जो वीडियो बना रहा हूँ मेरी, तो भाई मुझे तो लग रहा था भाई गला खराब है बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन भाई वीडियो बनाते समय पता नहीं भाई क्या ऐसी एनर्जी क्या ऐसी ताकत आ जाती कि भाई हम लोग ऐसे ही बोलते जैसे कि डेली वाली वीडियो में बोलते हैं, भाई ये सब ऐसे गॉड गिफ्टेड हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, हो सकता है कि भाई आपकी किस्मत कभी पलट सकती है, हमारी वीडियो देखना तो भाई कंफर्म है पलटने ही वाली है कुछ दिनों में, कुछ वेट करो लेकिन कमाने का सिलसिला जारी रखो, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो भाई श्रीलंका प्रबल प्लेइंग 11 टीम के बारे में आप जान लीजिए कि भाई आज के मैच में जो श्रीलंका की प्रबल प्लेइंग 11 टीम से क्या रहने वाली है। और हाँ भाई, हो सकता है कि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलूँ, थोड़ा सब एडजस्ट करना ठीक है, क्योंकि भाई आज पता नहीं अलग लेवल की एनर्जी आ रही है। तो आइए चलिए बात करते हैं किसके बारे में, आज के मैच में श्रीलंका की प्रबल प्लेइंग 11 टीम क्या रहने भाई। यहाँ पे देखो कुशल मेंडिस, पथुम निशंका, कुशल प्रेरक, केमेंडुस मेंडिस, सी एस लंका, बी राज कापास, डब्ल्यू हर्षलंका, सी विक्रम सिंह, टी तिक्षणा, इफरांडो और एम पथिराना भाई। ये रहने वाली आपकी प्लेइंग 11 टीम किसके, श्रीलंका प्रबल प्लेइंग 11 टीम के बारे में हमने आपको चर्चा की और हमने आपको बताया कि भाई आज के मैच में यही प्लेइंग 11 टीम देख लो भाई, कुछ छूटा उठा तो नहीं है। अगर छूटा होगा तो भाई उसको माफ करना, अगली बार में क्लियर कर दूंगा। वैसे मेरे लगभग तो भाई यहाँ पे देखो 1 से 11 तक पूरा कंप्लीट है ठीक है, तो छूटने वाला कोई काम ही नहीं होगा। तो भाई देखो आप ये जान लिए श्रीलंका की आज के मैच में जो प्रबल प्लेइंग 11 टीम रहने वाली है। भाई बोर तो नहीं ना हो रहे हो, अगर बोर रहे हो तो भाई बोलना, बीच बीच में मैं थोड़ा इंटरटेनमेंट भी आपको करता रहूंगा कि भाई आप वीडियो एकदम मजे से देखो ठीक है, मौज करके देखो भाई। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुशल मेंडिस, भाई देखो कुशल मेंडिस पहले तो आप ये जानो जो ये श्रीलंका की टीम है प्रबल प्लेइंग 11 टीम जानने के साथ यहाँ जानो भाई। यहाँ पे देखो कुशल मेंडिस, यहाँ देखो केमेंडुस मेंडिस, इसमें दो मेंडिस है, अगर आपको टीम में खेलते हुए दिखेंगे तो इनका नाम दिखेगा भाई के मेंडिस, तो भाई आप कंफ्यूज ना होना। पहला वाला जो कुशल मेंडिस आपको मैं बता दूं विकेट कीपिंग करेगा, और भाई ये जो कुशल मेंडिस है ये आपको ताबड़तोड़ केवल बल्लेबाजी करता दिखेगा, ये आपको डिफरेंट पता चल जाएगा, तो भाई आप भूल गलती नहीं करोगे। और मैं बता दूं यहाँ पे बात कर रहे थे कुशल मेंडिस भाई, ताबड़तोड़ आपने पिछले मैच में देखा होगा, पिछले मंथ में आपने देखा होगा कि भाई कुशल मेंडिस क्या जबरदस्त चल रहा था, सारी टीम एक तरफा आउट हो जाती लेकिन ये बंदा अकेले खड़ा होकर रन बना सकता था और ये बनाता। और मैं बता दूं ये बंदा आपको एकदम टेक्निकली ताबड़तोड़ शांत स्वभाव का बैट्समैन है, और इसको आप एक भरोसेमंद वाले बैटिंग समझ सकते हो। बैटिंग के साथ साथ आपको फैंटेसी के पॉइंट आपको विकेट कीपिंग से देगा, तो भाई अपने टीम में रखना एकदम इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर कैच पकड़ेगा स्टंपिंग करेगा तो आपको वहां से पॉइंट मिलते रहेंगे, और भाई ये बैटिंग करने ओपनिंग आता है। तो मिला जुला के आज के मैच में केमेंडिस, तो भाई आप ट्रम्प कार्ड बनाओगे ठीक है। अब भाई ये मत कहना ट्रम्प कार्ड का मीनिंग बता दो तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बताएं आपको ठीक है शॉर्ट फॉर्म में। अब वो शॉर्ट्स वाला नहीं कि भाई 59 मिनट की वीडियो में नहीं, ये आपको बताऊंगा 20-25 मिनट तक जाएगी वीडियो, जाने दो ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताया ताबड़तोड़ दोनों इनिंग में रख सकते हो, जिम्मेदारी वाली बैटिंग करेगा। अब यहाँ पे देखो भाई पथुम निशंका, मैं बता दूं इनका जब ये श्रीलंका लीग स्टार्ट हुआ था भाई ये बंदा वहीं से फ्लॉप होता हुआ चला रहा है, तो भाई इसे क्या पता चल रहा है, इनकी कुछ अभी खास प्रेडिक्शन नहीं जा रहे। और मैं बता दूं ये बंदा जिस दिन रुक कर संभल कर खेल लिया, लगभग मैं बता दूं 20-25 तक अगर ये सेफ खेल लेता तो भाई आज के मैच में आपको बड़ा करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वही नतीजा वही जरिया वही रूटीन से अगर ये खेलते आते ही चौका चौका हर बॉल पे मारते हैं रिस्की शॉट लेते हैं, तो भाई आज के मैच में मैं बोलूंगा पथुम निशंका को ड्रॉप कर देना। लेकिन भाई ऐसे प्लेयर जो होते हैं बहुत जल्दी कम बैक करते हैं, और भाई कम बैक आज के मैच में करने वाला मेरे प्रेडिक्शन मेरी वीडियो के अनुसार पूरा रिसर्च के अनुसार मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाई जो पथुम निशंका है आज के मैच में भाई बिना कुछ किए भाई 20 या 25 रन ये बना के आने वाले, तो भाई आप इन पे अच्छा खासा मोटा माल छाप सकते हो ठीक है, कभी भी बैटिंग करने आए आज के मैच में। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कुशल प्रेरक, ताबड़तोड़ बड़े टीमों के खिलाफ भी परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे, ऐसे में बता दूं इनका तो मैं बता दूं ज्यादा रिस्की नहीं लेते, लेकिन कभी कभार इनकी बैटिंग नीचे आती कभी कभार ऊपर, या 3 नंबर में फिक्स नहीं होते। लेकिन इधर देखा जा रहा है T20 मैच में इनकी बैटिंग जो अच्छे खासे नंबर पे आ जा रही है, तो ये आज के मैच में आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ऐसे अभी तक कुछ खास किया नहीं है तो मैं बोलूंगा रिस्क ना लेना, सीधा ड्रॉप मार देना। किसको, कुशल प्रेरक तेज तरह पारी खेलेगा, पारी के साथ साथ ये मैं बता दूं बहुत रिस्की रहता है, सीधा ड्रॉप मारो, सेफ खेलो, पैसा कमाओ और मौज करते रहो, वीडियो लाइक सब्सक्राइब मारते रहो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केमेंडुस मेंडिस, ये बंदा मैं बता दूं पूरा मस्टअप है, मस्टअप पे साथ साथ ये बंदा ताबड़तोड़, मैं बता दूं इस बंदे ने आपने देखा होगा कि भाई जब टेस्ट मैच चल रहा था इस बंदे ने भाई लगभग सेंचुरी तक, मतलब मैं बता दूं डबल सेंचुरी तक पहुंच गया था ये बंदा, आपको 171 रन की पारी टेस्ट में खेल के आया ताबड़तोड़। मैं बोलूंगा ये बंदा मिस सीटिंग वाला चल गया तो अताजे पता नहीं चला तो 20-25 तो भाई पार करके जाने वाला, तो इसको भी आप अपने टीम में कवर कर सकते इंपॉर्टेंट। अब यहाँ बात कर लेते सी एस लंका, भाई देखो सी एस लंका मैं बता दूं इनका भी कुछ समझ नहीं आता कि भाई कब कबार ये हिटिंग करके खेलते कब कबार आते ही सेफ खेलते, तो जब ये सेफ खेलेंगे तो अपने टीम में रख सकते हो, लेकिन मैं बता दूं आपको पता ही नहीं चलेगा। अब एक आध मैच इनको खेल लेने दो तब रखना, आप उनकी बैटिंग जो भी है प्लेइंग देखना तब रखना, तो अभी तो मैं सीधा बोलूंगा भाई ड्रम मारो, आपको क्यों मैं रिस्क दूं ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते बी राज के पास ताबड़तोड़, मैं बता दूं इस समय इनकी भाई देखो श्रीलंका में आपसी हो गई, वैसे तो था लेकिन जब से श्रीलंका लीग स्टार्ट हुआ ये बंदे ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया,
किया और कई बार इन्होंने 100 रन की पारी खेली, तो भाई आप इनसे अच्छा खासा उम्मीद कर सकते हो। जब ये फर्स्ट या सेकेंड इनिंग बैटिंग करते हैं तब कभी भी कर लोगे, मतलब ये आपको रन बना के दे सकते हैं अगर बॉल या बॉल ज्यादा रहती है तब। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डब्ल्यू हर्षारंगा ताबड़तोड़। ये मैं बता दूं श्रीलंका किंग का कंफर्म है कि भाई ये आपको बॉलिंग और ये बैटिंग आपको दोनों करते हुए दिखेंगे। तो भाई मेरा यही मानना है कि भाई आज के मैच में डब्ल्यू हर्षारंगा अगर ये चार ओवर फेंक गए तो भाई इनका एक या दो विकेट फिक्स है। और भाई मिलना भी जरूरी है क्योंकि भाई ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, मिडिल ओवर में, मतलब ये सारे मेन मेन जगह ये बॉलिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर, फिर आपको पावर प्ले, फिर आपको डेथ ओवर, मिला जुला के आपको ताबड़तोड़ रहने वाले डब्ल्यू हर्षारंगा। मैं बोल सकता हूँ आज के मैच में ट्रम्प कार्ड रहने वाले। वैसे तो मतलब बता दू सारी मैचों में इनको लोग रखते हैं लेकिन आज के मैच में रखना अपने लिए जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सी विक्रमा सिंह ताबड़तोड़। कुछ खास रहा ना, स्पिन गेंदबाजी है लेकिन अभी तक कुछ खास किया नहीं, पहला मैच होगा तो ड्रॉप मारो, ज्यादा एक्सपीरियंस भी वैसे भी इनको इंटरनेशनल का नहीं है। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं हम दीक्षा ताबड़तोड़। हर मैच ये बंदा खेलता है, चाहे टी ट्वेंटी हो, चाहे पाकिस्तान लीग हो, चाहे मैं बोल दू श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सारे मैचों में खेलते हुए दिखेंगे। तो मिला जुला किस बॉलर को आप रन अप बोल सकते हो, और मैं बोलूंगा ये आपको शुरुआती के पावर प्ले में अपने दो या तीन ओवर डालता दिखेगा। तो भाई आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि भाई पावर प्ले जब चलेगा हर बैट्समैन चौके छक्के मारने के चक्कर में अपनी विकेट देंगे, और भाई इसको अब अच्छा खासा विकेट भी मिलने वाला है आज के मैच में, एक आध दो विकेट तो भाई यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दूंगा तो कंफर्म रहेगा। अब यहाँ पे बात कर ले ए फ्रांडो ताबड़तोड़, तेतरा गेंदबाजी के साथ साथ हेड टू हेड विकेट टू विकेट बॉल रखे, जो बैट्समैन इनको आगे बढ़ के मारने जाए दाएं बाएं शॉट खेलेंगे तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बैट्समैन संभल कर रुक कर खेल गए तो भाई इनको आप सीधा ड्रॉप मार सकते हो, सेफ पिक रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पति राना ताबड़तोड़। आपने पिछले मैच में इनका देखो किसी ढासू बॉलिंग थी, सारे बैट्समैन इनको अच्छा खासा डिफेंड कर रहे थे, चौके छक्के मारने जा रहे थे। भाई देखो जो बॉलर को तभी विकेट मिलेगा जब बैट्समैन को ट्राई करेगा, अब बैट्समैन जानता कि भाई वो बॉलर हमें आउट कर सकते तो बैट्समैन सेफ खेलेगा। तो भाई हमें आज के मैच में क्या करना है, पति राना को सीधा ड्रॉप मारना, क्योंकि ज्यादातर इनको लोग ट्राई नहीं करेंगे मारने के लिए, इनको इसीलिए आज के मैच में विकेट नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको अच्छा बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो भाई देखो हमने नो डाउट एक एक प्लेयर के बारे में बहुत चीज कवर किया, बहुत आपको ज्ञान दिया। ठीक है, वो बात अलग है कि भाई आज की वीडियो में थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या फिर जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एडजस्ट करना, मैनेज करना। अब यहाँ पे देख लो, आप भी समझ लो, हमने आपको एक एक प्लेयर के बारे में डीप में नॉलेज दिया और भाई हमने कुछ समझाया, आपको ज्ञान दिया। भाई देखो मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरी वीडियो में हमने आपको जो बचाया, भाई देखो मैं कुछ सही बताया कुछ गलत बताया, मैं 100% सौ रन सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या करना है इसमें से जो चीज सही आपको वो लेना, अपने दिमाग में सेट करना है, और जो जो गलत है उसको छोड़ देना, यही मेरी वीडियो में रहने देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर लूंगा, आप लोग ऐसा मत करना। भाई देख लो, समझ लो, हमने आपको बता दिया श्रीलंका के प्रबल प्लेइंग 11 टीम के बारे में। अब यहीं पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, वेस्ट इंडीज प्लेयर पेडिशन के, वेस्ट इंडीज के प्रबल प्लेइंग 11 टीम आज के मैच में क्या होने वाली है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे आप देख लीजिए भाई वेस्ट इंडीज प्लेइंग 11 टीम के बारे में कि भाई आज के मैच में वेस्ट इंडीज की प्रबल प्लेइंग 11 टीम आज के मैच में आपको क्या देखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पे देख लो, भाई इवेन लूज, ब्रैंडन किंग, साई होप, रोस्टन चेस, रोमन पावल, आर सेफर्ड, भाई यहाँ पे देखो आर रदरफोर्ड, आर सेफर्ड, यहाँ पे देखो भाई एस स्प्रिंगर, जी गोमित, अल्दारी जोसफ, समीर जोसफ, भाई ये रहने वाली है आपकी किसके, वेस्ट इंडीज के प्रोबल प्लेइंग 11 टीम के मैच में। भाई यहाँ पे देखो जो प्लेइंग 11 टीम बताया लगभग 89% आज के मैच में, 89 में क्यों बोली भाई, 99 भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन भाई 100 रन सेटन किसी भी चीज को मैं 100% नहीं दूंगा। हरजन पटरेन का मतलब होता है कि भाई वो चीज एकदम करेक्ट ही हो, लेकिन भाई मैं 99 दे रहा हूँ, उसमें से एक आध प्लेयर आपको दिखते हुए दिखेंगे और मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट बता दूंगा। भाई यहाँ पे आप देख लो आज के मैच में वेस्ट इंडीज की प्रबल प्लेइंग 11 टीम से क्या रहने वाली आपने देखा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लेयर के की स्टैट के बारे में, भाई कौन सा प्लेयर है इसके बारे में आप जानो। भाई देखो हिविन लियोन्स में बता दूं ये बैट्समैन बहुत ताबड़तोड़ है, भाई चल गया ना भाई तो बॉलरों की धज्जियां उड़ा देगा, लेकिन नहीं चलेगा तो जीरो पे भी आउट होगा। तो ऐसे प्लेयर को हमें क्या करना, पहली बात तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना, क्योंकि भाई देखो मैं हमारी आप वीडियो देख रहा हूं तो भाई हमें आपका काम होता कि भाई हम आपको अच्छी राय दे, अब वो बात अलग है कि भाई हमारा चैनल अभी छोटा है तो आप हमारी ज्ञान कहां लोगे, लेकिन एक दिन ना एक दिन जरूर ये बात याद करोगे भाई हमने कुछ आपको ज्ञान बताया था। भाई मैं बोलूंगा ऐसे मी सीटिंग वाले बैट्समैन को कभी कैप्टन वाइस कैप्टन ना करो, अगर करना भी हो तो अपने टीम में आप इनको रख सकते हो, मैं इतना इजाजत दूंगा, क्योंकि भाई मी सीटिंग वाले बैट्समैन आपको 10 मैच में से आपको एक मैच में बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। तो भाई आप एक बार सोच के देखो, अगर आप 10 मैच में हार रहे हो एक मैच में जीत रहे हो तो आपका कुछ नहीं है, इसीलिए मैं बोलूंगा अगर एक मैच में हारना तो हार जाओ, 10 मैच में लेकिन जीतो, ये मेरा कहने का मतलब है। हिवेल लूज भाई ताबड़तोड़ बैट्समैन है नो डाउट, लेकिन मैं बता दूं इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन गलती मत करना, इसकी कोई बैटिंग फिक्स नहीं की भाई ये कब अपनी विकेट किसको फेंक दे, और ये काफी लंबा टाइम के बाद ये विकेट मतलब बैटिंग करने आया है,
अपने टीम के तरफ से खेल रहा है, ठीक है, तो भाई अपने टीम में आप रख सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन ना करना, ये बहुत रिस्की है, लेकिन नो डाउट ये बंदा मारता है तो भाई मारते रहता है, धुआं निकाल देगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, 10 मैच एक मैच में मारेंगे तो सीधा ड्रॉप कर देगा, ज्यादा सेफ रहोगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रेंडन की, मैं बोलूंगा ये बंदा ताबड़तोड़ मिस हिटिंग वाला नहीं, इस पे आप एक जिम्मेदारी वाली बैटिंग बोल सकते हो, चाहे सेकंड इनिंग चाहे फर्स्ट इनिंग, इसको पता कि भाई किस कंडीशन में किस सिचुएशन में कैसे बैटिंग करते हैं, तो ये मैंडल करेगा और आपके लिए बेस्ट चॉइस रह सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन के, और इंपॉर्टेंट पिक भी हो सकता है, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं साई और ताबड़तोड़, बता दू फर्स्ट डाउन आते हैं बल्लेबाजी तो ताबड़तोड़ है, लेकिन इस समय क्या हो रहा है भाई, ये बंदा आपको रन बहुत ताबड़तोड़ बना रहा है, और अगर ये बल्ला इतनी तेजी से चलाता है भाई, अगर बॉल इसके बल्ले से लगती ना भाई, तो भाई बॉल क्या होगी, बाउंड्री के बाहर ही जाना फिक्स है, तो बोलूंगा ये बैट्समैन भी ताबड़तोड़ रन। और मैं बता दूं वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर है भाई सब आउट ऑफ फॉर्म है, एक बंदा चल गया तो मैच को पूरी फाइनल करके आ गया, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब यहां पे बात कर लेकर रोशन चेस, आपको 4 ओवर जो स्पिन गेंदबाजी करे, गेंदबाजी के साथ साथ ये बैटिंग भी ताबड़तोड़ करते हैं, लेकिन कभी कभार ये ओपनिंग भी करने आ जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं हेवेन लुइस अच्छा टच में दिख रहा है, तो हो सकता है कि हेवेन लुइस आज के मैच में आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। रोशन चेस भी ताबड़तोड़ गेंदबाजी तो करते ही बल्लेबाजी भी मस्त एकदम लय वाला करते, तो आज के मैच में सबसे सेफ और सबसे ताबड़तोड़ रहने वाला रोशन चेस रख सकते हो। स्मॉल लीग के लिए तो भाई इनको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, दोनों तरफ से पॉइंट देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रोमन पॉल भाई, रोमन पॉल काफी लंबा टाइम हो गया, अभी तक इनका 50 रन वाली पारी नहीं आई है, अगर आई भी है तो भाई किसी में 49 रन आया है, किसी में जो है 48 रन आया, लेकिन भाई 50 रन की पारी नहीं आई है, तो भाई आज के मैच में मैं यही बोलूंगा, अगर रोमन पॉल आज के मैच में अगर ये देखो भाई ऐसा मैच ना हो, क्योंकि भाई देखो मान लो कोई 6 बॉल पे अब 18 रन चाहिए, तो यहाँ से आपको सेफ नहीं खेलेंगे, इनको रन बनाना तो अपने विकेट भी फेंक सकते हैं, इसीलिए मैं बोलूंगा आप इसको फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय अपने टीम में रख सकते हो, सेफ खेलेगा, नो डाउट दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय हर बॉल हर ओवर में प्रेशर आने के चक्कर में अपनी विकेट ये फेंक देते हैं, प्रेशर को ज्यादा रिलीफ नहीं कर पाते, ये ज्यादा टाइम तक पिच पे खड़े नहीं होते, लेकिन जिस दिन ज्यादा देर तक रहेंगे रन बनाएंगे। अब मैं बात कर लेते हैं आर सेफर्ट भाई, देखो आर रदरफोर्ड ताबड़तोड़ तेज तरह गेंदबाजी के साथ बैटिंग भी है, मिस हिटिंग वाली, लेकिन मैं बोलूंगा बॉलिंग से उम्मीद करना बैटिंग से नहीं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आर सेफर्ट, आप जानते हो भाई, देखो जो नहीं जानता है मुंबई का भाई ये खेलता है आईपीएल तरफ से, आर सेफर्ट लंबा चौड़ा है, लास्ट में बैटिंग करने आता है, मतलब मिस हिटिंग वाली बैटिंग है, लेकिन बॉलिंग में आपको पॉइंट दे सकता है, अगर मैं बता दूं अगर ये फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहा था तो लगभग ये अपने 4 ओवर पूरे कंप्लीट भी कर सकता है, कोई दिख ना है, तो भाई इसको अपने टीम में आप रख सकते हो, एक पूरा ऑलराउंडर का रोल करेगा, सेकंड इनिंग में बैटिंग से उम्मीद करना, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय ना उम्मीद करना, ठीक है। वहीं पे बात करें एश स्प्रिंगर भाई, देखो एश स्प्रिंगर ताबड़तोड़ तेज गेंदबाजी करेगा, अभी नया बॉलर इनके डेब्यूट किया तो कुछ खास रहता है इंटरनेशनल का, मौका नहीं इनके पास अच्छा तो बोलूंगा सीधा ड्रॉप मारना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी गोमेज भाई, देखो एक तरह टैलेंटेड स्पिनर गेंदबाज, में बोलूंगा लेफ्ट हैंड स्पिन गेंद, सॉरी भाई राइट हैंड स्पिन गेंदबाजी करेंगे, बैट्समैनों को फंसाते अच्छा खासा, तो मैं बोलूंगा हो सकता है कि भाई आज के मैच में एक आध विकेट मिले तो मैं बोलूंगा सीधा इनको ड्रॉप कर सकते, क्योंकि आज के मैच में इनकी अच्छी खासी जो है पिटाई होने वाली, राइट हैंड स्पिन गेंदबाजी करेंगे तो लेफ्ट हैंड के बैट्समैन को दिक्कत करेगा, राइट वाले अच्छे से इनको धो सकते हैं, तो भाई यहाँ पे देखो दारी जूसफ ताबड़तोड़ इनके गेंदबाजी में सबसे टैलेंटेड, और बाउंसर और यॉर्कर के भाई मैं बोलूंगा स्पेशली ताबड़तोड़ इनको एक तरफ से दर्जा दे सकते हो, ताबड़तोड़ करेंगे गेंदबाजी तो इनकी लय है, तो बोलूंगा 4 ओवर की स्पेल पूरे डालेंगे, लेकिन अगर वो पिटाई हो जाती है तो भाई ओवर कटेंगे, इसीलिए आप इनको अपने टीम में ना के बराबर रखना जारी जोसेफ को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें समर जोसेफ, ताबड़तोड़ वही गेंद वही लय वही स्पिन वही यॉर्कर, भाई ये बंदा क्या डालता है, लेकिन मैं बता दूं इनको भी आप सीधे ड्रॉप मार सकते हो, कुछ खास नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं किस किस प्लेयर के ऊपर क्रॉस किया पहले मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी इंपॉर्टेंट समझ लू, मैं देखो आप भी समझो मैं भी समझू, मिलकर दोनों लोग मौज काटे पैसा कमाए। यहाँ पे देखो भाई मैं पहला तो आपको बोला हूँ कि आर सेफर्ट को अपने टीम में बॉलिंग सुमित करना, रदरफोर्ड को क्या करना, आप सब ड्रम मार सकते हो लेकिन बॉलिंग हो सकता है कराने, और रोमन पॉल भाई सेकंड इनिंग में रख सकते हो, सॉरी फर्स्ट इनिंग रख सकते हो, सेकंड इनिंग में प्रेशर आने के चक्कर में आउट हो जाएंगे। भाई यहाँ पे मैं बोला हूँ जी गोमित और मैं बोले थे एस प्रिंगर और भाई समर जोसेफ, अंजारी जोसेफ आपके लिए कुछ करने वाले आज के मैच में, यहाँ तो देख लो भाई हमने आपको बताया एक प्लेयर के बारे में बता दिया अच्छे से, और जो अच्छा नहीं बताया अगली वीडियो में बोल रहा हूँ अच्छे से दूंगा, अच्छी ज्ञान अच्छी टिप, तो अभी भी अच्छा ही दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी होता है पिच रिपोर्ट के बारे में, अगर आप पिच रिपोर्ट जानते हो तो आधी टीम आपकी इसी तरह तैयार हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के एनालिटिक्स पर, तब हम आपको बता देते हैं किसके बारे में पिच रिपोर्ट के बारे में। भाई देखो जो ये वेस्ट इंडीज श्रीलंका के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है कहाँ पे खेला जाएगा, तो भाई यहाँ पे देखो रंगिरी दम्बुला स्टेडियम श्रीलंका के पिच पे खेला जा रहा है, मतलब श्रीलंका के होम ग्राउंड पे ये मुकाबला आपको खेलती हुई दिखेगी टीम श्रीलंका, मतलब टीम श्रीलंका। भाई देखो रंगिरी दम्बुला टीम बल्लेबाजों के लिए सपोर्ट करती है, सपोर्ट मीन आप जानते हो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्प, ठीक है, सपोर्ट करती है, ठीक है,
और इस पिच पर आपको स्पिनर को काफी थोड़ा मदद मिलता है भाई, मतलब होता है फ्यू, ठीक है, थोड़ा मदद मिलता है, थोड़ा का मिस हो गया फ्यू, ठीक है। यहाँ बात कर ले इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है, बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं क्योंकि इस पिच पर बैट बॉलरों को थोड़ा मदद मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर ले इस पिच पर शुरुआती में काफी तेज रन बनता है भाई, क्या होता है रन काफी तेज बनता है शुरुआती में, मतलब एक ओवर से लगा छह ओवर में आपको खूब तेज रन बनाते हुए दिखेंगे बल्लेबाज। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ देखो भाई इस पिच पर, इस पिच का भाई टॉप ऑर्डर के भाई, इस पिच पर देखो भाई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, मतलब भाई एक ओवर एक बल्लेबाज से लगा तीन बल्लेबाज तक, एक दो तीन नंबर तक बल्लेबाज आपको बहुत काफी रन बनाते हुए दिख सकते हैं इस पिच पर, ठीक है। तो भाई देखो एक सरल उदाहरण में आपको बताया रामगिरा दमूला के पिच रिपोर्ट के बारे में, अगर आप नहीं समझे तो एक बार और मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा, वैसे मैं आप इसमें से नहीं, मैं अपने मुंह जवानी आपको बता दूं क्योंकि भाई ताबड़तोड़ हो गया तुम्हारे भाई का, क्योंकि भाई जो ये रामगिरा दमूला स्टेडियम का पिच, हम इस पिच पर बहुत काफी टाइम पर मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में लगभग हम इतना तो हमें याद हो गया भाई। ये देखो रामगिरा दमूला की पिच क्या होता है, बल्लेबाजों को सपोर्ट तो इस पिच पर भाई काफी थोड़ा स्पिनर को मदद मिलता है, और इस पिच का भाई टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है बैटिंग करना पसंद करती है क्योंकि इस पिच पर गेंदबाजों के स्पिनर को कुछ खास मदद नहीं मिलता है। अब यही पे बात कर लेते हैं, शुरुआती में काफी तेज रन बनते हैं और इस पिच पर भाई ऐसे एक नंबर से लगा तीन नंबर के बल्लेबाज आपको खूब बड़ा बड़ा स्कोर करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में, ये तो हमने आपको बताया भाई रामगिरा दमूला के पिच रिपोर्ट के बारे में, अब हम आपको बताते हैं भाई ये जो पिच अभी तक इस पिच पर जो टोटल मैच कितने खेले गए, कौन कितनी बार जो मैच को हारा हुआ, कौन कितनी बार जो मैच को जीता हुआ है, तो चलिए इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। तो भाई देखते रहना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्कोरिंग पैटर्न आज के मैच में। तो भाई चलिए शुरू करते हैं, और भाई देखो इस पिच का स्कोरिंग पैटर्न अभी तक, भाई देखो इस पिच पर 18 मुकाबले खेले गए जिसमें से बैटिंग बॉलिंग करने और तीन मैच को 9 बार मैच को जीता हुआ, मतलब इस पिच पर मुकाबला क्या इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चाहे श्रीलंका हो चाहे वेस्ट इंडीज, आज के मैच में 150 के ऊपर एकदम कंफर्म है कि भाई आज के मैच में आपको देखने को मिलेगा, तो 20 ओवर का सेशन 150 रन यस करके कमा लेना, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय जो टीम दूसरे इनिंग बैटिंग करने आती है लगभग वो 113-120 रन वैसा ही पहुंचती है, मतलब पहले इनिंग में आपको 150 दिखेंगे तो दूसरे इनिंग में 120-130 स्कोर आज के मैच में आपको वाले, ऐसा ही होता है इस पिच का कहना, ठीक है। वही पे बात कर लेते हैं इस पिच का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा 209 रन पे 5 विकेट, और लोवेस्ट की बात करें तो 40 रन पे 10 विकेट। तो भाई ये रहा स्कोरिंग पैटर्न, अब हम आपको बताते हैं हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में कि भाई क्या है कैसे है। भाई यहां पे देखो श्रीलंका ने 8 मैच जीता हुआ, वेस्ट इंडीज ने भी 8 मैच, मतलब मिला जुला आंकड़ा दोनों को सेम है, लेकिन भाई मेरा तुम्हारे भाई का क्या ओपिनियन है भाई। यहां पे देखो ड्रीम इलेवन विनिंग पोजीशन, आज के मैच में ड्रीम इलेवन पे जीतने का तरीका क्या, तो ध्यान सुनना भाई। इधर देखो वेस्ट इंडीज टीम ऊपर हैंड ओवर टीम श्रीलंका टीम, तो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर वेस्ट इंडीज, आज के मैच में तुम्हारे प्रेडिक्शन मेरे प्रेडिक्शन मिला जुला के मुझे लग रहा है आज की वेस्ट इंडीज आपको ज्यादा मजबूत टीम दिख रही है। तो भाई जो भी टीम बनाओगे आप, ज्यादा प्लेयर आप वेस्ट इंडीज के लोगे, कम प्लेयर लोगे श्रीलंका का, वैसे आप मैं बोलूंगा बैलेंस करके बनाना, 5-6 का बनाओगे तब पर बेस्ट टीम बनेगी। अब भाई मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर श्रीलंका के बैटर के बारे में कि भाई आज के मैच में श्रीलंका का कौन सा बैटर है जो कि भाई आज के मैच में आपको 2 या 3 विकेट रन बनाते दिखेगा, विकेट लेते हुए दिखेगा। तो भाई यहाँ पे देखो केमेंड्यूस मेंडिस, भाई देखो केमेंड्यूस मेंडिस बोल रहा हूँ, कुशल मेंडिस नहीं, केमेंड्यूस मेंडिस बिना विकेट कीपिंग वाला भाई, इस पे 25 रन का सीजन आप दोनों इनिंग में यस करके कमा सकते हो। सीएस लंका फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग आज के मैच में दोनों इनिंग में आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। डब्ल्यू हर्षरंगा फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते तो 25 रन से अनियान, लेकिन सेकंड इनिंग बैटिंग करते तो भाई नॉट, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉलर श्रीलंका का कौन सा बॉलर है जो कि भाई आज के मैच में आपको 2 या 3 विकेट लेता हुआ दिखेगा, तो भाई देखो एम पथिराना आज के मैच में 2 या 3 विकेट लेते हुए दिख सके, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर वेस्ट इंडीज के बैटर के बारे में कि भाई कौन सा बैटर है जो 25 रन का यस करें किसको आप नो करोगे। तो भाई देखो भाई देखो ब्रैंडन किंग आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय 25 रन से आया, लेकिन सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय नॉट है। भाई देखो लुइस हेविन लुइस आज के मैच में दोनों इनिंग में आप यस करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रोमन पावल, अगर आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तो यस करना रन, अगर जितना भी देगा 20-25-30-45-40 का, अगर सेकंड इनिंग बैटिंग करते हो रोमन पावल तो भाई नॉट कर देना, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं बॉलर आज के मैच में वेस्ट इंडीज का बॉलर कौन सा बॉलर जो कि भाई आज के मैच में आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा, तो अंसारी जोसेफ है कि भाई जो आज के मैच में आपको 2 या 3 विकेट लेते हुए दिख सकते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी कि भाई आज के मैच में कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। तो भाई देखो ऐसे प्लेयर के नाम बोल रहा हूँ जो कि ये सभी प्लेयर आपके टीम में रहना चाहिए इंपॉर्टेंट या फिर ट्रंप प्लेयर है, ठीक है। तो भाई ध्यान सुनना यहाँ पे देखो पथुम निशंका सीएस लंका डब्ल्यू हर्षरंगा एम पथिराना साई होप और रोस्टन चेन, ये हमने जो भी 5-6 प्लेयर के नाम बोले आप सभी के टीम में रहना चाहिए, ये सब ड्रीम प्लेयर के से। और आज के मैच में मैं बता दूं आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसके करना, आप रोस्टन चेन को कैप्टन कर सकते हो और वाइस कैप्टन आज के मैच में डब्ल्यू हर्षरंगा को कर सकते हो। तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन
कहानी है रहने वाली है। और आज के मैच में मेरे प्रेडिक्शन अनुसार तो भाई मुझे लग रहा कि भाई आज के मैच में टॉस है जो जीतेगी वेस्ट इंडीज और मैच जीतने वाली है वेस्ट इंडीज। तो भाई देखो आपका क्या राय है आप भी कमेंट करके बनाना। और भाई इतनी सारा नॉलेज ज्ञान देने के बाद आशा करूंगा कि भाई अगर आप अपने से खुद से टीम बनाते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए लव यू ऑल, टेक केयर, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर।